हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज दिव्या अग्रवाल, वेलकम टू द चैनल स्मार्ट लर्निंग एकेडमी। मैं दिव्या अग्रवाल आपको पढ़ाने वाली हूँ केमिस्ट्री। अगर आप एस्पिरेंट हो गेट एक्सेल के, दैट इज लाइफ साइंसेज के, तो जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है वो मैं लेने वाली हूँ। सो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो जरूर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, हर उस इंसान तक इस वीडियो को पहुंचाएं जिसको आपकी और हमारी वीडियोस की जरूरत है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग गुड। आज का जो हमारा चीट कोड है वो है चीट कोड नंबर 2, दैट इज टॉलरेंस टेस्ट। तो आज हम डिस्कस करेंगे हर वो क्वेश्चन जिसको हम टॉलरेंस टेस्ट, जिसमें हम टॉलरेंस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइज, एज यू नो कि ये जो हमारा चीट कोड नंबर 2 है, इसमें हम, दिस इज अ पार्ट ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। बेसिकली टॉलरेंस टेस्ट किस पर्टिकुलर कंपाउंड में होगा और कैसे हमें पता चलेगा, बिकॉज हमारा जो बायोलॉजी बैकग्राउंड है उसमें आपने बायोमोलिक्यूल्स वगैरह देखा होगा, तो उसमें हम टॉलरेंस टेस्ट किसमें होगा किसमें नहीं होगा, इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे कट शॉर्ट तरीके से आप फटाफट विद इन अ सेकंड बता सकते हो कि इसमें पर्टिकुलर टॉलरेंस टेस्ट होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले तो यू शुड नो व्हाट इज अ टॉलरेंस टेस्ट, एंड उससे भी पहले यू शुड नो दैट व्हाट इज द एक्टिव पार्ट ऑफ टॉलरेंस टेस्ट। अगर मुझे टॉलरेंस टेस्ट की बात करनी है तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि इसमें जो एक्टिव पार्ट है वो कौन होता है। तो गाइस, जो इसमें एक्टिव पार्ट होता है वो है ये, दैट इज सिल्वर, NH3 होल ट्वाइस विद वन पॉजिटिव चार्ज। तो बेसिकली ये जो पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स है ये ही इसका एक्टिव पार्ट होता है। बेसिकली हम इसको इन जनरल अगर थियोरेटिकली कहें तो इट इज अ अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट में अमोनिया डालने के बाद में जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, वो ही टॉलरेंस टेस्ट देता है। तो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो, टॉलरेंस टेस्ट बेसिकली एल्डिहाइड्स के साथ देखा जाता है, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, एल्डिहाइड्स टॉलरेंस टेस्ट देते हैं। अब अगर ये टॉलरेंस टेस्ट देगा तो ये क्या करता है, या तो ये इस तरह का सिल्वर मिरर प्रोड्यूस करता है, आपने लेबोरेटरी में किया होगा, जो आपके टेस्ट ट्यूब है उसमें सिल्वर कलर का मिरर बन जाता है, या फिर ब्लैक ग्रे एंड बफ व्हाइट कलर्ड प्रेसिपिटेट, इस तरह की चीजें इसमें आती हैं डिपेंडिंग अपॉन कि कॉम्प्लेक्स क्या है। तो विदाउट वेस्टिंग मोर ऑफ अ टाइम, फटाफट से हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि किस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि किसमें टॉलरेंस टेस्ट होगा और किसमें टॉलरेंस टेस्ट नहीं होगा। तो वन बाय वन आई विल बी राइटिंग द एग्जांपल्स एंड आई विल एक्सप्लेन कि वहां पे टॉलरेंस टेस्ट होगा या नहीं होगा। तो जैसे हमारा जो सबसे पहला एग्जांपल है वो आप देख सकते हो, वो है ये। ओके, तो अगर मैं ये चीज बना रही हूँ, ओके, अगर मैं इस चीज को बना रही हूँ तो बेसिकली ये इसमें आप देख पा रहे हो कि दिस इज अ एल्डिहाइड ग्रुप। ओके, तो इसमें क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप है तो बट ऑब्वियस यहाँ पे टॉलरेंस टेस्ट आपका 100% होगा। अगर हम इस तरह से एक कंपाउंड बनाए, डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन एंड यहाँ पे CHO, ओके, तो अगर आप इस पार्ट को देखोगे तो यहाँ पे एल्डिहाइडिक पार्ट है। अब आप सोच रहे होंगे कि तो एरोमेटिक स्पेशी से कनेक्टेड है, तो इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। ये जो आपका पार्ट है ये भी टॉलरेंस टेस्ट देगा, और टॉलरेंस टेस्ट देगा मतलब ये वही सिल्वर मिरर बनाएगा, या तो या फिर ये व्हाइट कलर का PPT बनाएगा या ग्रेश ब्लैक कलर का PPT बनाएगा। तो ये बहुत ही ईजी था, ओके, ये वाला पार्ट बहुत ही ईजी था। अब इसमें अगर हम और एग्जाम्पल देखें, जैसे कि अगर मैं इस तरह से कुछ, हम एक्चुअली 15-20 क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, ओके? तो जैसे ये चीज हमने बनाई हुई, यहाँ पे मैंने ड्यूटेरियम लगा दिया और यहाँ पे मैंने लगाया है CHO, ओके? तो क्या ये टॉलरेंस टेस्ट देगा, तो बट ऑब्वियसली टॉलरेंस टेस्ट देगा बिकॉज यहाँ पे CHO ग्रुप प्रेजेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई हिंड्रेंस हो या ना हो डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, टॉलरेंस टेस्ट ये भी पर्टिकुलर एग्जाम्पल देने वाला है। चौथा क्वेश्चन अगर मैं लिखती हूँ, दिस इज फॉर्मिक एसिड, ओके, तो क्या फॉर्मिक एसिड टॉलरेंस टेस्ट देगा, तो हाँ ये फॉर्मिक एसिड जो है वो टॉलरेंस टेस्ट देता है, क्योंकि फॉर्मिक एसिड ऑक्सीडाइज होने के बाद में इस तरह से इस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, और जब ये इसमें कन्वर्ट होता है तो अनस्टेबल होता है, ये स्प्लिट कर जाता है, तो ये ऑक्सीडाइज क्योंकि हुआ है तो ये भी टॉलरेंस टेस्ट देता है। इस बात को बिल्कुल नोट करना, ओके, इस बात को बिल्कुल नोट कर लेना। उसके बाद में अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इस तरह से कुछ, राइट, अगर हम इस तरह से कुछ ले रहे हैं, दैट इज फॉर एग्जाम्पल दिस थिंग, ओके, अगर मैं इस तरह से बनाती हूँ, दिस इज अ टर्मिनल एल्काइन, ओके, दिस इज अ टर्मिनल एल्काइन। तो अगर मैं टर्मिनल एल्काइन की बात करूंगी तो टर्मिनल एल्काइन में ये जो हाइड्रोजन है ये इतना एसिडिक होता है कि ये भी टॉलरेंस टेस्ट देता है, ये भी टॉलरेंस टेस्ट देता है, और यहाँ पे भी ग्रेश पीपीटी आता है, इसमें एक्चुअली व्हाइटिश ग्रे पीपीटी आता है, ओके, इसमें कोई सिल्वर मिरर नहीं बनता बट व्हाइट पीपीटी आ जाता है। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि टर्मिनल एल्काइन टॉलरेंस टेस्ट देंगे या नहीं देंगे, ओके, तो वो टर्मिनल एल्काइन जो होते हैं वो भी टॉलरेंस टेस्ट देते हैं, ओके। एंड उसके साथ में अगर हम देखते हैं तो एक चीज मैंने बनाई, जैसे कि आपने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा होगा CH2OH, ओके, सी डबल बॉन्ड ओ CHOH होल थ्राइस एंड देन वी हैव CH2OH, ओके, दिस इज बेसिकली फ्रक्टोज, ओके, ये हमारा फ्रक्टोज है। तो क्या फ्रक्टोज टॉलरेंस टेस्ट देता है, तो हाँ बिल्कुल ये भी टॉलरेंस टेस्ट देता है। क्यों देता है, क्योंकि ये टॉटोमेराइज करता है, आपको पता होगा व्हाट इज टॉटोमेराइजेशन, राइट,
अगर हम टॉटोमेराइज करते हैं, डिटेल्स कोर्स, डिटेल कोर्स में हम सबके डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम जस्ट एग्जाम ओरिएंटेड, क्वेश्चंस ओरिएंटेड टॉपिक्स सिर्फ कट शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। सो अगर मैं टॉलेंस टेस्ट इसको, टॉलेंस रिएजेंट इसको दूंगी तो ये भी टेस्ट करेगा, बिकॉज जब ये टॉटोमेराइज करता है तो टॉटोमेराइज करने के बाद में ये कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में, और आपको पता है जब ये अगर ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा तो, बट ऑब्वियस एल्डिहाइड में तो आपका सीएचओ ग्रुप प्रेजेंट है और सीएचओ ग्रुप टॉलेंस टेस्ट तो 100% देगा, इस वजह से फ्रक्टोज जो होता है वो भी टॉलेंस टेस्ट देता है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। इसके अलावा अगर मैं इस तरह से कुछ कंपाउंड बना के लिख दूं और आपसे पूछूं कि क्या इसमें टॉलरेंस टेस्ट होगा, तो 100% इसमें भी टॉलरेंस टेस्ट होगा, क्योंकि जब आप इसकी देखो, जब भी कोई इस तरह का सवाल आता है तो आपको समझ में नहीं आता कि ये करेगा नहीं करेगा, है ना। तो इनमें क्या करो ना, आप हाइड्रोलिसिस करके देख लो, राइट। आप अगर हाइड्रोलिसिस करके देख लोगे तो इट विल हेल्प यू अलॉट। ओके, अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो यहाँ पे एच, यहाँ पे ओ एच और यहाँ पे एच इस तरह से आ जाता है, ब्रेक करता है, और अगर वो इस तरह से ब्रेक करेगा तो ब्रेक करने के बाद में ये चीज जनरेट करेगा, ठीक है। एंड सिमिलरली यहाँ पे भी आपका डायोल्स बन जाएंगे बेसिकली, है ना, ये वाला आपका यहाँ से ब्रेक हुआ, ये भी ब्रेक हुआ, तो अब ये जो पार्ट होगा हाईली अनस्टेबल होता है, और अगर ये अनस्टेबल होगा तो अनस्टेबल होने की वजह से इसमें से वाटर एलिमिनेट हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा फॉर्मिक एसिड में। अब जब ये फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट होगा तो हमने अभी अभी देखा था कि फॉर्मिक एसिड भी ऑक्सीडाइज करके COHS में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड ये भी टॉलरेंस टेस्ट देगा। आई होप यू आर गेटिंग दिस पार्ट। ओके, एसिटल था ना, वो एसिटल टाइप का पार्ट था। इसी के साथ में अगर हम थोड़े और एग्जांपल्स देखना चाहें क्विक क्विक करके, हम बहुत सारे क्वेश्चंस में कवर करने की कोशिश करेंगे, ओके, जिससे आपका ओवरऑल टॉलरेंस टेस्ट का जो क्वेश्चंस हैं वो विद इन अ सिंगल वीडियो खत्म हो जाएगा। तो जैसे हमने यहाँ पे ऑक्सीजन बनाया हुआ है, यहाँ पे मैंने ओएच लगाया, ओके फाइन। तो अब अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे लोन पेयर्स प्रेजेंट है, यहाँ पे भी लोन पेयर्स प्रेजेंट है, तो ये भी एक्चुअली क्या करेगा, इस तरह से ब्रेक करेगा, और अगर ये इस तरह से ब्रेक करेगा तो ब्रेक करने के बाद में आप कह सकते हो, है ना, कि यहाँ पे आपका OH आ जाएगा और यहाँ पे भी आपका डबल बॉन्ड हो एंड देन एल्डिहाइड। तो ब्रेक करने के बाद में यहाँ पे एल्डिहाइड मिल गया, यानी कि ये भी टॉलरेंस टेस्ट देगा। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। ओके, सिमिलरली अगर मैं कुछ और एग्जांपल्स लिख दूं, जैसे कि इस तरह से कुछ, तो यहाँ पे हमने OH लिखा और यहाँ पे ऑक्सीजन इस तरह से कुछ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो लोन पेयर्स हैं ये भी इस तरह से, अगर ये मैं इस लोन पेयर को इधर ले आऊं और इसको ब्रेक कर दूं तो ये चीज कन्वर्ट हो जाएगी इसमें, दैट इज अ कीटोन। ओके, तो ये कीटोन में कन्वर्ट हो गया, हमें पता है टॉलरेंस टेस्ट कौन देता है, एल्डिहाइड देता है, कीटोन तो नहीं देता, यानी कि ये एग्जाम्पल टॉलरेंस टेस्ट नहीं देगा। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। ओके, सिमिलरली अगर मैं और एग्जाम्पल्स लिखने की कोशिश करूं, तो एक एग्जाम्पल है जैसे कि इस तरह से मैंने कुछ बनाया। ओके, ये बेसिकली समरी है आपके टॉलरेंस टेस्ट की, तो इस तरह से आपने कुछ कंपाउंड बनाया, यहाँ पे आपने OH लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, दिस इज अ बेंजोइन, बेसिकली बेंजोइन कंडेंसेशन, आपने रिएक्शन पढ़ी होगी केमिस्ट्री में, तो दिस इज अ बेंजोइन, और बेंजोइन भी टॉलरेंस टेस्ट देता है। बेंजोइन अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा एंड अल्टीमेटली ये भी टॉलरेंस टेस्ट देगा। तो ये भी बात आपको बिल्कुल दिमाग में रखनी है, अपने जब माइक्रो नोट्स आप प्रिपेयर करते हो तो उन माइक्रो नोट्स में आपको ये चीजें सब एक साथ लिख देनी है। सिमिलरली अगर मैं इस तरह से कुछ बना दूं, राइट, इस तरह से अगर मैं कुछ बना दूं तो यहाँ पे ये जो आपका है बेंजिल, ओके, दिस इज बेंजिल, तो ये भी आपका क्या करेगा, ये भी टॉलरेंस टेस्ट देगा। इसको भी अगर आप ब्रेक करोगे तो फिर अल्टीमेटली वो किसी ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट होता है जिसमें आपका टॉलरेंस टेस्ट ये देने लगता है, एल्डिहाइडिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है और ये भी टॉलरेंस टेस्ट देने लगता है। ओके, उसके बाद में अगर हम और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि ले सकते हैं हम पीएच, एनएच एंड देन ओएच। ओके, अगर हम इसको देखेंगे तो इसको आप देखोगे क्या ये टॉलरेंस टेस्ट देगा, तो हाँ ये भी टॉलरेंस टेस्ट देगा, बट ये क्या करता है, ये ग्रेश ब्लैक कलर का पीपीटी देता है, ग्रे ब्लैक कलर का पीपीटी देगा, बट ये भी टॉलरेंस टेस्ट देता है। ओके, दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑल्सो गिव्स टॉलरेंस टेस्ट। ओके, सो दिस इज समथिंग, मतलब ये चीज ऑक्सीडाइज हो जाती है, नाइट्रो ग्रुप में ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो ये भी आपका टॉलरेंस टेस्ट देता है। सिमिलरली अगर आप और एग्जाम्पल देखना चाहोगे, तो जैसे कि हमारा क्लोरोफॉर्म है CHCl3, तो अगर आप क्लोरोफॉर्म को देखोगे क्या ये टॉलरेंस टेस्ट देगा, तो हाँ ये भी देता है, बिकॉज अगर आप इसको हाइड्रोलाइज करोगे तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद में यहाँ पे तीन OH आ जाते हैं, तीन OH आ जाएंगे तो इसमें से पानी निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा तो अल्टीमेटली ये भी अगेन फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट होगा, फॉर्मिक एसिड को फिर से टॉलरेंस रिएजेंट देने पर ये चीज आपकी ऑक्सीडाइज हो जाती है इस तरह से, है ना, तो ये भी अल्टीमेटली टॉलरेंस टेस्ट देता है। तो क्लोरोफॉर्म विल ऑल्सो गिव टॉलरेंस टेस्ट, प्लीज नोट दिस पार्ट। ओके, सो आई होप आप मेरी बात को बिल्कुल अच्छे से समझ पा रहे हो, कोई इश्यू नहीं आ रहा है। एंड उसके साथ में अगर हम कुछ और एग्जांपल्स देखना चाहें तो यस, लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। ओके, तो जैसे कि इस तरह से मैंने देखा सीएल सीएचओ, इसको अगर आप देखोगे तो क्या ये टॉलरेंस टेस्ट देगा, तो हाँ बिल्कुल ये भी देगा। अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे तो हाइड्रोलिसिस कराने के बाद में ये इस तरह से फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट होगा, फॉर्मिक एसिड तो आपको पता है ये टॉलरेंस टेस्ट देता ही है, तो
तो ये भी आपका मतलब बेसिकली क्या होता है, जैसे OH हाइड्रोलिसिस कराने का तरीका क्या है, वो ये OH माइनस को उसको ब्रेक करो, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऊपर नीचे, ये चीज एलिमिनेट हो जाती है। क्लोरीन बीइंग मोर यू नो गुड लीविंग ग्रुप, तो वो एलिमिनेट करता है और अल्टीमेटली आपको फॉर्मिक एसिड फॉर्म होता है जो कि टॉलरेंस टेस्ट देता है। सिमिलरली अगर आप और देखना चाहोगे तो जैसे मैंने यहाँ पे ड्यूटीरियम बनाया, यहाँ पे OSOCH3 बनाया और यहाँ पे OH बना, तो अगर मैं इसको देखूंगी तो देख के तो समझ में नहीं आएगा टॉलरेंस टेस्ट देगा कि नहीं देगा, बट हम इसको जैसे कि मैंने बताया रिएक्शन करके देखो, तो ये ऊपर जाएगा, ये चीज ब्रेक करेगी, और ये चीज जब ब्रेक करी है तो डबल बॉन्ड ओ आए, यहाँ पे ड्यूटीरियम, अभी जो ड्यूटीरियम होता है वो तो हाइड्रोजन का ही आइसोटोप है ना, हाइड्रोजन ड्यूटीरियम हो जाए ट्रिटियम हो व्हाट्सो एवर इट इज, तो ये भी तो एल्डिहाइड हुआ, ड्यूटीरिएटेड एल्डिहाइड हुआ, तो एल्डिहाइड है तो टॉलरेंस टेस्ट तो देगा, तो ये भी टॉलरेंस टेस्ट देगा। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। ओके, सिमिलरली सिमिलरली अगर मैं कुछ और एग्जाम्पल देखना चाहूँ, जैसे कि मैंने इस तरह से बनाया, अगेन आई विल बी राइटिंग द CHO ग्रुप ओनली, तो ये भी टॉलरेंस टेस्ट 100% देगा। इस तरह से मैं कुछ बना दू, ऐसे कुछ लिखा हुआ है से CHO CHO व्हाट्स एवर इट इज, तो जहां पे भी CHO है रिस्पेक्टिव ऑफ द ग्रुप क्या है वो भी टॉलरेंस टेस्ट देगा। अगर मैं इस तरह से कुछ बनाना चाहूँ, यहाँ पे मैंने कुछ भी ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाया, तो ये टॉलरेंस टेस्ट देगा नहीं देगा, क्योंकि ये क्या आ गया, कीटोन आ गया। ओके, सो आई होप आपको समरी ऑफ टॉलरेंस टेस्ट समझ में आ गई होगी कि टॉलरेंस टेस्ट में अल्टीमेटली होता क्या है। आपको बस एक चीज करनी है, आपको सिर्फ CHO ग्रुप को कहीं से भी करके लेकर आना है और उनमें से आपने कुछ एक्सेप्शनल पार्ट देखे, एक्सेप्शनल तो नहीं कह सकते, जैसे कि PHNHOH है ना, PHNHOH ये वाली चीज आपकी टॉलरेंस टेस्ट देती है, टर्मिनल एल्काइंस आपका टॉलरेंस टेस्ट देता है, ठीक है, उसके अलावा आपके जो बेंजल्स इस तरह के जो हैं ये वाली चीजें ये भी टॉलरेंस टेस्ट दे रही हैं। ओके, तो ये दो चार चीजें आपको दिमाग में रखनी है और बाकी सारा का सारा अगर एल्डिहाइडिक पार्ट है तो वो टॉलरेंस टेस्ट देगा। तो आई होप आपको ये चीट कोड नंबर टू समझ में आ गया होगा और ये चीजें आप बिल्कुल दिमाग में रख लो, मतलब इससे क्या एक क्वेश्चन अगर आया या आएगा तो फिर आप विद इन अ सेकेंड उसको सॉल्व कर सकते हो विदाउट यू नो मोर ऑफ योर एफर्ट्स। ओके, चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैप्पी लर्निंग, बाय, टेक।